The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे एक टेस्ट के बारे में जो आपकी चिंता, आपका स्ट्रेस, आपका परेशानी, एंजाइटी, घबराहट, आपके डर के वजह से होता है, के का कारण है, का रिजल्ट है, का जड़ है, और यही है जो बहुत सारी बीमारियों का भी जड़ बनता है, जो बहुत ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। तो ये क्या चीज़ है? ये है कॉर्टिसोल। जी हाँ, आपको कॉर्टिसोल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप अंधेरे में जी रहे हो, अंधेरे में भी फिर आपको पता ही नहीं आगे क्या है ना। सो कॉर्टिसोल क्या है? ये बला, ये एक हार्मोन है। जी हाँ, आपने सुना होगा फलाना ढमकाना हार्मोन्स कई सारे हैं, थायराइड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, वैसे ये हार्मोन है कॉर्टिसोल। एड्रिनलिन सुना होगा आपने, नॉरएड्रिनलिन है जो सुना होगा, रश मिलता है समथिंग। सो कॉर्टिसोल जो है वो आपके शरीर के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है, हर एक एवरी ऑर्गन, एवरी टिश्यू इन योर बॉडी इज अफेक्टेड बाय कॉर्टिसोल। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हाला माहित पाहिजे, ऐकून घ्या, समझो। और पहले ऐसा इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सबको पता होना चाहिए। सो क्या है ये कॉर्टिसोल, क्या है और कहां से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो आपका शरीर बनाता है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, इन रिस्पॉन्स टू फाइट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए भी बनाएगा, स्ट्रेस में भी बनाएगा, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए भी बनाएगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी बनाएगा, और मेटाबॉलिज्म यानी कि आपके शरीर कैसे एनर्जी, फूड यूटिलाइज करती है उसके लिए भी बनाएगा। समझते हैं, एक एक चीज को समझेंगे कैसे होता है ये। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, ये क्या है भैया? देखो, कॉर्टिसोल बनता है आपके एड्रीनल ग्लैंड्स में, किडनी के ऊपर ऐसा टोपीनुमा एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, इसलिए उसको बोलते हैं रीनल यानी किडनी से जुड़ा, एड्रीनल ग्लैंड, जो दो छोटे छोटे ग्लैंड है, एक किडनी में एक, दूसरे किडनी में दो, दो दो टोपी, सेंटा क्लॉज, इसके ऊपर से निकलते हैं आपका एड्रीनल हॉर्मोन्स, कॉर्टिकोट्रोपिन जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, राइट। ये आता है आपके ब्लड में और ये इसका मेजरमेंट आप कर सकते हो ब्लड में, यूरिन में, सलाइवा में, और ब्लड टेस्ट से ये पता चलता है कि आपके शरीर में कॉर्टिसोल बहुत हाई है या बहुत लो है। उसका मतलब पता चलता है कि कहीं आपके अंदर एड्रिनल ग्लैंड में ही बीमारी तो नहीं है। पहला तो वो हो सकता है कि कुछ नहीं है, बाकी एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर है, धड़ाधड़ कॉर्टिसोल बनाया जा रहा है, आपको स्ट्रेस है नहीं फिर भी स्ट्रेस हो ही जा रहा है, बिकॉज हार्मोन है, सो स्ट्रेस जैसा रिस्पॉन्स होगा, स्ट्रेस जैसा आएगा, सो दोस थिंग्स आर देयर। तो कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, आपके बॉडी में सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है अगर वो बहुत हाई हो जाए, अगर वो चाहे ट्यूमर की वजह से हो या क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से हो, एक्यूट स्ट्रेस की वजह से हो, इफ इट इज़ वेरी हाई इट इज़ नॉट गुड, राइट। इट इज़ वेरी हाई इन COVID-19 इन्फेक्शन ऑल्सो, कोविड के इन्फेक्शन में ये जो नॉर्मल लेवल से 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा भी हो सकता है, 100 गुना ज़्यादा हो सकता है, इट्स वेरी वेरी कैन बिकम वेरी हाई। सो इसी को हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। कॉर्टिसोल का टेस्ट किया जाता है डायग्नोस करने के लिए, कॉर्टिसोल के मैनेजमेंट की कोई बेसलाइन बीमारी तो नहीं है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम हो जाए तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। कुशिंग सिंड्रोम मतलब बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल, कुशिंग सिंड्रोम पर एक अलग वीडियो है, और बहुत ही कम कॉर्टिसोल, नहीं है कॉर्टिसोल तो एडिसन्स डिजीज, ये सब दो ऐसे साइंटिस्ट के नाम है, कुशिंग्स एडिसन्स, ठीक है। अब क्यों चाहिए आपको कॉर्टिसोल का टेस्ट, कब हम सस्पेक्ट करेंगे, आपको लक्षण क्या होंगे अगर कॉर्टिसोल है शरीर में? तो कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो क्या करेगा, उसका बस इतना काम है कि बॉडी को कुछ होने वाला है, देयर इज सम डेंजर,
दौड़ो भागो, फाइट और फ्लाइट मोड पे रहेगी आपकी बॉडी हमेशा, एक्यूट सतर्क सतर्क रहेगी, हाथ में हथियार लिए और पैरों में जूते पहने, मीनिंग तैयार, पैरों में जूते, शरीर अंदर से पहनता है कैसे, ब्लड शुगर बढ़ा के, यू माइट हैव टू रन, यू माइट, वो उसको लगता है कि आपको कोई खतरा है, स्ट्रेस हार्मोन है, आपको कोई खतरा है, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ से भागना पड़ेगा और बहुत भागना पड़ेगा, बहुत भागना पड़ेगा, आपको ब्लड शुगर चाहिए, बहुत सारा चाहिए, तो ब्लड शुगर बढ़ा देगा। सो जो नॉर्मल रेगुलेशन है ब्लड शुगर का खराब, तो उस समय आपका ब्लड शुगर हाई है और हाई रहेगा जब तक स्ट्रेस है, जब तक कॉर्टिसोल हाई, चाहे स्ट्रेस से है चाहे किसी और कारण से। सेम वे आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा, सो यू विल बी एक्टिव, योर ब्लड प्रेशर, योर हार्ट रेट, योर हॉर्मोन्स, योर थायराइड, योर स्वेटिंग, योर एवरी सिंगल ऑर्गन इन योर बॉडी विल बी अफेक्टेड बाय कॉर्टिसोल। खतरनाक मोड पे रहोगे, गाड़ी आपकी 100 की स्पीड पे चल रही है, मतलब शरीर की टकाटक बिना रेस्ट के प्रॉब्लम। तो अगर आप ऐसा है तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है डाइजेशन को या दूसरी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देगी और स्ट्रेस में क्या करेगी, एक तरफ ये करेगी, दूसरी तरफ आपको भूख लगेगी कि खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ, क्योंकि सेल्स को शुगर नहीं मिलेगी, आपके ब्लड में शुगर है, सेल्स में नहीं है, सेल्स बोलेंगे मेरे को भूख लग रही भैया हमें तो खाना दो, खाना खाओगे वो और स्टोर होती जाएगी, सो मोटापा भी रहेगा। तो अगर आप मोटे हैं राइट, और इसमें क्या है कि हाई कॉर्टिसोल में सेंट्रल ओबेसिटी होती है, हाथ पैर पतले होते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट मोटा और गला में वो और पीछे ऐसा हम्प और हाथ पैर पतले, सेंट्रल ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, शुगर हाई रहेगा और पेट मोटा रहेगा, सब फटे फटी जाएगा, स्ट्रेच मार्क्स आने लगेंगे पेट में, पर्पल कलर के और चमड़ी स्किन में ब्रूसेस जल्दी आ जाए, वीकनेस हो सकती है। सो हाई कॉर्टिसोल लेवल्स के कुशिंग्स के सिंड्रोम ये होते हैं। अब हर इंसान पूरा डेवलप्ड कुशिंग्स रहेगा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसका बीच में ग्रेड हो, एक जीरो नॉर्मल पर्सन, हाईएस्ट कॉर्टिसोल उसका कहीं यही नहीं हो, कोई यहाँ हो, कोई स्पेक्ट्रम में कहीं हो, तो दैट स्पेक्ट्रम में हम सब हैं, जिनको थोड़ा सा स्ट्रेस है, जिनको ये, वो सब हैं हम इस स्पेक्ट्रम में, समझे। तो कुशिंग के स्पेक्ट्रम, इसलिए मोटे हो रहे हैं, इसलिए बीपी हाई हो रहा है, इसलिए स्ट्रेस हो रहा है, इसलिए मसल वीकनेस हो रही है, विमेंस को इरेगुलर मेंसेस आ रहे हैं, एक्सेस हेयर आ रहा है फेस पे, हेयर लॉस हो रहा है राइट। दूसरे तरफ जो स्पेक्ट्रम है कि कॉर्टिसोल कम होना, कम हो जाना, जो आज के डेट में तो नॉर्मली नहीं दिख रहा क्योंकि स्ट्रेस सबको ही है, कम हो जाता है तो बीपी लो हो जाएगा, आपका मसल वेट लॉस रहेगा, फटीग होगा, मसल वीकनेस फिर भी होगा, पेट में दर्द होगा और डायरिया और नौजिया ये सब हो सकता है, लेकिन एडिशंस का अलग है, मेन ये है हाई होना मेन राइट। सो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, कोई मेजर प्रॉब्लम लग रहा है, तो कोई ऐसी कोई बीमारी क्लियर कट नहीं है, तो कॉर्टिसोल करा के देखा जाता है। सो सीरम कॉर्टिसोल से पता चलता है, ब्लड टेस्ट से, कि कोई बीमारी का रिस्क कितना है, शरीर में इन्फ्लामेशन कितना है, शरीर में रिस्पॉन्स स्ट्रेस कितना है। सो अगर कोविड जैसी बीमारी है उसमें अगर आपका कॉर्टिसोल जो कि एकदम नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए, जो 2-5 होना चाहिए, अलग अलग लैब की अलग अलग लेवल होती है, अलग अलग लेवल, अलग कोई HSCRP होता है, हाई सेंसिटिविटी सीआरपी, उसका नॉर्मल रेंज अलग है और सीआरपी का नॉर्मल रेंज अलग है राइट। लेकिन अल्टीमेटली अगर वो बहुत बढ़ गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 13 हो गया, 10 से बढ़ गया, तो दिस इज समथिंग गोइंग ऑन, इन्फ्लामेशन हो गया, स्ट्रेस है, रिलैक्सेशन चाहिए, बॉडी को रिलैक्सेशन हेल्प चाहिए उसको, सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू राइट। सो सीरम कॉर्टिसोल, ब्लड कॉर्टिसोल और यूरिन कॉर्टिसोल ये सब टेस्ट करके देखा जाता है। और हाई लेवल लो लेवल कब होता है, अगर कॉर्टिसोल लेवल आपका हाई है, एक नॉर्मली जो लेवल होता है उसका कितना होता है पहले ये समझते हैं। ब्लड सैंपल जब लेते हैं सो 8 बजे सुबह लेना होता है, तो 8 बजे सुबह 5 से 25 mcg/dl माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर या 140 से 690 मिनीमोल पर लीटर का नॉर्मल रेंज है। अलग अलग लैब वैल्यूज का अलग अलग है, नॉर्मल रेंज जो है डे ऑफ टाइम पे भी ऊपर नीचे होता है, नॉर्मल रे उसके हिसाब से उसको नॉर्मल रेंज को करेक्ट करा जाए, इसलिए अलग अलग लैब में आपको अलग अलग रेंज मिलेगी, तो इसलिए लैब रेंज से कंपेयर करो। अगेन अगर आपका हाई आ रहा है तो यू कैन हैव कुशिंग्स डिजीज, उसमें क्या क्या होता है, समटाइम्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH नामक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, वो हार्मोन ज़्यादा बना रही है, वो एड्रिनल ग्लैंड को
अपने कॉर्टिसोल ज़्यादा बनाने के लिए बोल रहा है, वो पिट्यूटरी में ट्यूमर हो सकता है। वो बंदे आपको कहेंगे पिट्यूटरी यानी ब्रेन का एमआरआई करके देखते हैं, प्रोलैक्टिन करके देखते हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन्स करके देखते हैं टेस्ट। और कभी कभी एक्टोपिक कुशिक सिंड्रोम होता है, यानी पिट्यूटरी नहीं है लेकिन उसके बाहर पिट्यूटरी बाहर प्रॉब्लम आ रही है, जो ACTH ज़्यादा बना रही है। ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स हो सकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो सकते हैं, और कुछ नहीं तो सिंपल स्ट्रेस हो सकता है, या कोई भी एक्यूट इलनेस हो सकती है। एक्यूट इलनेस मतलब चाकू मार दिया, गोली लग गई, कोविड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया। सो एक्यूट खतरनाक बीमारी सेप्सिस हो गया, उसमें कॉर्टिसोल बढ़ेगा, सिंपल। कोई भी एक्यूट इलनेस और स्ट्रेस में भी बढ़ेगा, सो रिमेंबर दैट। लो है एडिसन्स डिजीज, कभी कभी हाइपोपिट्यूटरीज्म, और कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ स्किन क्रीम, इन्हेलर, जॉइंट इंजेक्शन, कीमोथेरेपी, इनसे भी कॉर्टिकोइड स्टीरोइड्स का सिक्रीशन सप्रेस हो जाता है, दवाइयों का साइड इफेक्ट ये हो सकता है। सो ये सारा कच्चा चिट्ठा है कॉर्टिसोल का। आई होप आपको समझ में आया क्या है क्या नहीं है। ये ज़रूर टेस्ट करवाना अगर आपको कोई एक्यूट इलनेस हो गई है। स्ट्रेस के लिए तो नहीं करवाते क्योंकि स्ट्रेस के लिए तो बड़ा ही रहेगा, लेकिन स्ट्रेस एक ख़राब चीज़ है ये चीज़ प्रूफ करती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, आराम करो, नींद इंपॉर्टेंट है, नींद इंपॉर्टेंट, डाइट इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, इट्स इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, एंड फॉर ऑल सच सिमिलर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।